मध्य प्रदेश के कटनी में परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ससंग की ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही है, जहां मुनिश्री की धर्मसभा के दौरान भक्तों को गुरु दर्शन के साथ मुनिवर की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। इस तरह स्थानीय भक्तों में अपार उत्साह का वातावरण बना हुआ है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज के शिष्य निर्यापक मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज की धर्म सभा में देश भर से भक्त परिवार कटनी पहुंच रहे हैं, जहां गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य महानुभावों को प्राप्त हो रहा है। निर्यापक मुनिश्री 108 वीर सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को शाकाहार के लिए प्रेरित किया। महाराज जी धीरे धीरे चीजों का त्याग कर सकते हैं, जैसे चीज का, चॉकलेट का, और बिस्किट्स का, जो हम नहीं, किसी का भी त्याग नहीं करना। शुद्ध खाओ, कहने का मतलब है यानी एक ऐसी भी प्रोसेस होती है जिसमें ये नहीं डलता है। जैसे जैन बेकरीज होती हैं, वहाँ आपको फूड आइटम मिल जाएंगे, अथवा ऐसी कुकिंग क्लासेस भी होती हैं जहाँ नॉनवेज नहीं होता है, उसके माध्यम से वो प्रिपरेशन करना सिखाते हैं। उसे सीख करके भी हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं, रह सकते हैं। यदि कभी ऐसा भाव पैदा भी हो जाए तो ये सोचना, आखिर मैं क्या हूँ, किस प्रकार का इंसान हूँ, मैं अपने टेस्ट के लिए, अपनी जिह्वा के लिए किसी को भी खा सकता हूँ? एक जैन होने का सच्चा धर्म शाकाहार होना है। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने धर्म सभा के दौरान प्रवचनों के माध्यम से शाकाहार पर विशेष प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। जैन फोकस के लिए कटनी मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।